बढ़िया कब बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए बढ़िया, चोट लगी तो सबसे पहले अपने ऊपर प्रश्न करना है, आया ना। पहले मुझे गाड़ी चलाना सीखनी है, बाद में दूसरों को सिखा सकता हूं। मुझे ही नहीं आता, मैं दूसरों को सिखाऊंगा, सिखा पाऊंगा? तो पहले मुझे, अच्छा कौन कौन चाहते हैं कि मेरी चेहरे से, चेहरे के अनुभव से, जो बाबा इस बार के मुरली में कहा है कि आपके चेहरे से अनुभव कराओ, कौन कौन चाहते हैं कि मेरी चेहरे से लोगों को खुशी मिलनी चाहिए? मेरे चेहरे से तो खुशी मिलनी चाहिए सभी, नहीं कोई कोई, बाकी तो सब मुस्कुरा के बोल रहे हैं, उठा ऐसे करके बोलो ना, मेरे चेहरे से। अब लग रहा है कि खुशी से आप कहोगे मैं खुशियां बांट रही हूं, होगा कर लो, और 50 साल भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। संस्कार को परिवर्तित करने के लिए 100 साल में भी हमारी पार्ट कितना है, उसमें भी थोड़े समय में हमें जल्दी परिवर्तन करना चाहिए। कल भी मैंने एक शब्द कहा था, बेवजह मुस्कुराहट, कोई बात कोई जरूरत नहीं, जब तक अंदर से खुशी नहीं आई ये तो दुनिया वाले कहते हैं। मैं हैदराबाद गया था, वहां भट्टी हुई, हमें दीदी लेके गए एक बहुत अच्छी जगह घुमाने के लिए। जब वहां पहुंचे, बहुत बड़ा गार्डन, 2500 एकड़ का, वो भाई मालिक है उसका, काफी लोग उसके अंदर है, मकान बनाए हुए हैं, लेकिन बाबा का बच्चा है। तो दिन ने कहा रमेश भाई अच्छा मुस्कुराना सिखाते हैं, ऐसे ऐसे एक्शन करके। बोला हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक अंदर से ना आए मुस्कुरा के क्या फायदा है कि नहीं? 2 दिन से ही सीख रहे हो भाई, इस स्वार्थ भरी दुनिया में, कभी भी दुनिया में, अंधेरे में आपकी जोत कोई जगाने वाला नहीं है, कोई सुख देने वाला नहीं है, सब दुख देने वाले बाबा बोलता है या नहीं? तो खुशी किसको क्रिएट करना है? मुझे, करो करो मुझे, शक्तिशाली किसको बनना है? आगे किसको बढ़ना है? एक्शन किसको करना है? एक्शन माना वो फाइटिंग वाला नहीं, एक्शन माना कर्म। अगर हमारी आंखों की पलके भी हिल रही है तो वो ये एक्शन आ रहा है, आया ना? तो ये एक्शन बहुत जरूरी है। तो ये एक्शन से आपके अंदर की अनुभव की शक्ति भर जाएगी, फिर वो अनुभव आप जिसको बांटोगे वो खुशियों से भर जाएगा। तैयार हो? देखो बच्चे भी मुस्कुराए, आपको कौन से गम है भाई, छोटे छोटे बच्चे कितना मुस्कुराना चाहिए, पढ़ाई में पास होना चाहते हो? वैसे तो बच्चे सभी हैं, हम बाबा के सब बच्चे हैं ना, कोई 1 साल का बच्चा है ना, कोई 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन नेचुरल जो बच्चे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसे चेयर पे बना। कल हमने फ्रेंड्स टाइप डांस कर रही थी, डांस तो बहुत अच्छा किया लेकिन थोड़ा मुस्कुराहट कम थी, मैंने कहा मुस्कुरा, फिर मुस्कुराया। अगर हम एग्जाम में पास होना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमें कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, भाई साहब हमारा ना एग्जाम है, मैं पेपर में कैसे पास करना चाहता हूँ, पास नहीं होता हूँ क्योंकि वो एग्जाम पेपर देखते ही जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाता हूँ। लेकिन उसको बहुत अच्छे टिप्स जो हम 3 दिन से सीख रहे हैं, सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम पेपर उठाओ बिना खोले, वाह बहुत अच्छा है, मुस्कुरा के। मतलब ये ब्राह्मण जीवन में हम भी बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब हमारी लाइफ में कोई भी विघ्न आ जाए, आपकी निंदा हो रही है, ग्लानी हो रही है, नुकसान हो गया है, कल एक बहन की फोन आई, वो मधुबन में मिले थे, वो जा रहे थे बंगाल की ओर, और ट्रेन से उतरे, कुछ पानी लेने के लिए ट्रेन छूट गई, ट्रेन में बैग था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाए क्योंकि स्पीड पकड़ लिया था, वो रुक गए। कैसा लगेगा? और वो फोन करके बोलते हमें
हमें अच्छा लगा था, बढ़िया बढ़िया बोल रहे आखिर तो छोटे के संकल्प चला के नुकसान होकर स्थिति को क्यों बिगाड़े। मकान गिर गया, धन चला गया, कोई कुछ भी हो गया, लेकिन स्थिति अगर चली गई तो इसीलिए कृष्ण ने महाभारत में किसी भी हालत में अपनी स्थिति को नहीं बिगाड़ा, उसको जीत पानी है, जीत दिलानी है। तो एग्जाम में अगर कोई भी छोटे मोटे एग्जाम पेपर आप मुझ बच्चे के सामने आता है, सबसे पहले वाह, ये प्रैक्टिकल बच्चे भी एग्जाम में जिन्होंने जाके जो जिनकी 40% मार्क आता था, उन्होंने जो मुस्कुरा के पहले एग्जाम पर एक मिनट तक मुस्कुरा के देखा, वाह कितना अच्छा। तो मन में अंदर मन पूछ रहा है क्या चाहिए, तो कह रहा है वाह तो मेमोरी शक्ति आ जाएगी, याद आ जाएगा सब कुछ, और अच्छी इतनी अच्छी तरह एग्जाम लिख के आए बच्चे। उन्होंने खुद बोला भाई साहब अभी हमारा 80% 40% से डायरेक्ट 80% हो गया।